19 मई को हिमाचल प्रदेश के 4 संसदीय क्षेत्रों में वोटिंग होगी और ये जो वोट है एक लोकतंत्र का महान पर्व है जिसमें हम अपने नुमाइंदों को चुनेंगे। जो नुमाइंदे यहाँ से जाकर दिल्ली में जाकर जो हमारे क्षेत्र की पैरवी करेंगे और क्षेत्र में किस तरह से विकास करवाया जाता है उसके लिए काम करेंगे। वर्ष 2019 लोकसभा चुनावों में जहाँ भाजपा की ओर से सांसद रामस्वरूप शर्मा पुनः भाजपा ने उम्मीदवार बनाए हैं, तो दूसरी ओर जो एक साल पहले भाजपा में शामिल हो चुके थे आश्रय शर्मा जी, वो पुनः कांग्रेस में शामिल होकर कांग्रेस ने उन्हें अपना उम्मीदवार बनाया है। पहली मर्तबा तो नहीं कहूँगा, लेकिन अन्य जो है इन दो उम्मीदवारों के अलावा 15 अन्य उम्मीदवार है इस मैदान में। और ये जो 15 उम्मीदवार है ये चाहे थोड़ा वोट बैंक ही ले, लेकिन कहीं ना कहीं बड़े दलों को जो है ये नुकसान पहुंचाने में जो है ये बड़ी अहम भूमिका निभाएंगे। मंडी संसदीय क्षेत्र में वैसे कांग्रेस का गढ़ रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने भी यहाँ पर इतिहास दोहराया है। अगर हम पूर्व में की बात कहें तो यहाँ पर जो राजनीति के चाणक्य पंडित सुखराम जिन्हें कहा जाता है वो भी यहाँ से जो मंडी संसदीय क्षेत्र से हार का स्वाद जो है चख चुके हैं, और उसी तरह से राजा वीरभद्र भी यहाँ से हार चुके हैं। यहाँ कोई ऐसा अजेय अभी तक उम्मीदवार नहीं रहा जो हारा ना हो। रामस्वरूप शर्मा जो सांसद रहे, बतौर सांसद उन्होंने अपना यहाँ पर बेहतर कार्य किया है। उन्होंने कोशिश की है कि क्षेत्र में विकास किस तरह करवाया जा सके, क्षेत्र को कितनी परियोजनाएं लाई जा सके, इसके लिए वो लगातार जो प्रयासरत रहे और उसका परिणाम हमें सामने को देखने को मिल भी रहा है। जैसे क्लस्टर यूनिवर्सिटी जो है वो खुल चुकी है, एयरपोर्ट का जो है सर्वे हो चुका है, रेलवे लाइन का जो है वो सर्वे हो चुका है, जो टनलें बनी है बोबू जो तो जरूरी जो तो उनकी जो है DPR बनकर तैयार हो चुकी है। कई ऐसी मतलब इनकी परियोजनाएं जैसे द्रंग नमक खान जो कई अरसे से बंद पड़ी थी वो भी शुरू हो चुकी है, और इसके अलावा आयुष भवन बनकर तैयार है, मेडिकल यूनिवर्सिटी खुल गई है, ऐसे बहुत सारे काम हैं जो हुए। लेकिन रामस्वरूप जी का कहना है कि उन्होंने इस काम के लिए पहले शुरू से ही कसरत शुरू कर दी थी, मगर प्रदेश में जो कांग्रेस की सरकार थी कहते हैं उन्होंने कोई सहयोग नहीं दिया। जैसे ही मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी बने, और जयराम ठाकुर जी बने तो यहाँ पर जो उन परियोजनाओं का जो धरातल में आना शुरू हो गया, और जैसे पठानकोट मंडी 4 लेन का जो प्रथम चरण का जो शिलान्यास भी हो चुका है ये भी एक बड़ी उपलब्धि है। और यदि कहा जाए तो मंडी संसदीय क्षेत्र का जो चुनाव है वो प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के नाम पे जा रहा है। विशेष तौर पर एक तरफ जहाँ सांसद रामस्वरूप शर्मा अपनी उपलब्धियों के साथ ये सारी अपनी उपलब्धियों का जो श्रेय है ये मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री को देते हैं, वहीं दूसरी ओर कांग्रेस के उम्मीदवार आश्रय शर्मा अपने दादा के सहारे जो है अपनी चुनावी बैतरणी जो है वो पार लगाना चाहते हैं। वो टेलीकॉम के कार्य का जो है उल्लेख करते हैं और अपने दादा के सपनों का पूरा करने का हवाला देते हैं। अब ये तो पब्लिक तय करेगी, लेकिन जो पब्लिक का रुझान है अभी तक वो सबसे ज़्यादा इस बात को देखने का है कि मंडी संसदीय क्षेत्र से फौज में बहुत सारे लोग हैं, फौज में बहुत युवा भर्ती है और यहाँ पर पूर्व सैनिक कम नहीं है, बहुत ज़्यादा है, और उनका जो है वो 90% ऐसे सैनिक है जिनका झुकाव सीधे तौर पर मोदी जी के साथ है। वो यहाँ पर उम्मीदवार को केवल अगर मान रहे हैं तो केवल वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ही मंडी संसदीय क्षेत्र से उम्मीदवार मानते हैं। जैसे कि बड़ी काशी का जो है वो उम्मीदवार नरेंद्र मोदी है, छोटी काशी का उम्मीदवार जो रामस्वरूप शर्मा है, तो ये भी एक इस तरफ से भी। और दूसरी तरफ सरकार सत्ता में है, सरकार सत्ता में होने के कारण जो है जो कर्मचारी वर्ग है वो कहीं खुल के बाहर नहीं आ रहा है, और आम आदमी जो है वो जैसे चुनावों में एक गर्माहट होती थी, एक माहौल होता था, वो माहौल अभी तक मंडी में नहीं बन पाया है। बेसरते यहाँ पर अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक बहुत बड़ी रैली होने वाली है 10 तारीख को, उससे भी माहौल में एक बहुत बड़ा बदलाव आएगा। और उसी तरह से हो सकता है कि कांग्रेस भी अपने किसी बड़े नेता को यहाँ पर बुलाएंगे, उनसे रैली करवाएंगे, और अभी तक जो कांग्रेस की ओर से है वो केवल पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ही चुनाव प्रचार की कमान संभाले हुए हैं और कांग्रेस के लिए वही एकमात्र सहारा है, जबकि भाजपा की ओर से मुख्यमंत्री स्वयं जयराम ठाकुर छोटी छोटी नुक्कड़ जनसभाएं कर रहे हैं और अपने उम्मीदवार के लिए समर्थन जुटा रहे हैं। तो इस बार का जो मुकाबला है ये बहुत ही दिलचस्प मुकाबला है, और रामस्वरूप शर्मा जहां विकास के दम पर
और अपनी कार्यकुशलता के दम पर आगे बढ़ रहे हैं। वहीं कांग्रेस के उम्मीदवार आश्रय शर्मा जो है अपने दादा के किए गए विकास कार्यों का उल्लेख कर और उनके सपने साकार करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। दूसरी ओर कम्युनिस्ट पार्टी के दिलीप कायस्थ है और भी अन्य उम्मीदवार हैं, चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं, लेकिन धातल पे अभी तक उतना ज़्यादा कुछ देखने को नहीं मिल रहा है जिस तरह का माहौल एक चुनावी माहौल होता था। और ये माहौल चुनाव आयोग की शक्ति के कारण भी नरम हुआ है। ना झंडे ना डंडे ना बैनर ना सैनर, कहीं ऐसा नहीं लग रहा है कि चुनाव हो रहे हैं। इवन कि पोस्टर भी नहीं है बाजार में, कहीं भी देखा जाए गाँव में पोस्टर भी नहीं है। तो इससे जो है आम मतदाता जो है आज जागरूक हो चुका है और वो अपनी समझदारी के तहत ही अपना मत जो है प्रदान करेगा। हिमाचल प्रदेश के 4 संसदीय क्षेत्रों में वोट पड़ने वाले हैं और लोकतंत्र के इस महापर्व पर तमाम हिमाचल प्रदेश के युवा युवतियां, महिला पुरुष बुजुर्ग और माताएं पोलिंग बूथ पर मतदान करने अवश्य जाएं, क्योंकि आपका मतदान बहुत अहम है, आपका वोट बहुत बहुमूल्य है और हिमाचल प्रदेश में 100% मतदान हो, एक ऐसा संकल्प लेकर जो है वो पोलिंग बूथ पर पहुँचें और अपने देश का भविष्य तय करें।